Hello viewers, welcome to my channel. I am Purnendu, your main teacher. Today I am going to explain you chapter 3 from class 6. The name of the chapter 3 is playing with numbers and you are watching our channel Foreign Math. Today I am going to explain you example 4. Example 4 is given that write all the prime number less than 15. आपको prime number लिखना है, वो भी 15 से जो छोटा है, वो सभी prime number को आपको यहाँ लिखना है, ठीक है? तो prime number को लिखने से पहले prime number होता क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर है जिसका अगर मैं मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इतना नंबर दिया है आपको, इसमें से प्राइम नंबर कौन है कौन नहीं वो कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए 2, ठीक है, 2 क्या होता है? 2 का फैक्टर होता है 1 एंड 2. उसी तरह 3 का फैक्टर होगा 1 एंड 3. 4 का फैक्टर होगा 1, 2 एंड 4. 5 का फैक्टर होगा 1 एंड 5. 6 का फैक्टर होगा 1, 2, 3 एंड 6. यहाँ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, सभी में 1 है, ठीक है, सभी का फैक्टर क्या होता है? पहला 1 होता है, देन और ये 2 है, उसका फैक्टर 2 है, मतलब वो खुद का फैक्टर है. 3 भी 1 और 3 1 है और खुद का फैक्टर है. 4 लेकिन देखिए यहाँ 4 का फैक्टर क्या है? 1 है 2 है 4 है. मतलब मेरे कहने का मतलब है जो प्राइम नंबर होती है उसका फैक्टर 1 कंपल्सरी रहता है एंड इटसेल्फ, मतलब वही संख्या खुद का फैक्टर होगा. यहां देखिए 2 है, 2 का फैक्टर 1 है, ये तो कंपल्सरी रहेगा और वो खुद उसका फैक्टर है. लेकिन यहाँ 4 है, 5, 6 है, 6 का फैक्टर 1, 2, 3, 6, तो ये प्राइम नंबर नहीं है. 4 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 मतलब प्राइम नंबर का 1 होगा एंड खुद का फैक्टर होगा वो, लेकिन जो 1 और इटसेल्फ के दो अलग भी आता है, जैसे 4 का 1 आ रहा है, 4 आ रहा है लेकिन उसके बाद 2 भी आ रहा है, उसी तरह 6 में 1 आ रहा है, 6 आ रहा है लेकिन उसके बाद और 2 भी फैक्टर आ रहा है, तो ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है. तो हमें क्या करना है, यहाँ प्राइम नंबर लिखना है, वो भी 15 से छोटा प्राइम नंबर लिखना है, ठीक है, 15 से छोटा प्राइम नंबर लिखना है. तो आप लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. 15 तक लिख लिया मैंने. अभी 15 से छोटा प्राइम नंबर, ये था मेरा प्राइम नंबर, ये था 2, 3, 5 एंड 7, 9 का वो आ रहा है 11, 13, ठीक है, इतना वो प्राइम नंबर है. तो ये प्राइम नंबर क्या है? सो द प्राइम नंबर आर 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, ठीक है, इतना ही करना है आपको. तो अभी हम एग्जाम्पल 5 में जाएंगे. एग्जाम्पल 5 दिया है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 75, 60 एंड 210. यहाँ आपको 3 संख्या दिया है, उसका कॉमन फैक्टर निकालना है. कॉमन मतलब समान होगा, मतलब इसमें भी जो फैक्टर होगा वही फैक्टर इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है. जैसे मान लीजिए मैं 6 का और 8 का और 12 का, ये तीनों का फैक्टर निकाल रहा हूं, तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 तो सभी में होगा, 1, 2, 3 एंड 6, ठीक है. उसी तरह 8 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड 8 होगा. उसी तरह 12 का होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 6 एंड 12, ठीक है. तो यहां देखिए ये तीनों का मैंने जिस तरह निकाला, इसमें कॉमन कौन सा है? 1 सभी में कॉमन है, मतलब सब में है तो इसलिए 1 कॉमन है. यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 भी कॉमन है. और यहाँ 6, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है लेकिन सेकंड में 3 नहीं है. यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, ये दोनों में नहीं है. यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, तो ये अलग है. तो कॉमन कौन आ गया? 1 एंड 2. उसी तरह हमें ये तीनों का भी उसी तरह निकालना है, तो वो मैं निकालूंगा. अभी 75 का फैक्टर है 1, 3, 5, 15, 25, 75. 60 का है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 एंड 60. 210 का उसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, sorry 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 71, 105 एंड 210. तो ये तीनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो तीनों में 1 है, तो 1 यहाँ कॉमन है. देखिए यहाँ 2 नहीं है लेकिन ये दोनों में 2 है, तो कॉमन नहीं हो सकता. यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 भी इसमें कॉमन जाएगा. देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 भी इसमें कॉमन जाएगा. देन यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 है, ठीक है. तो ये 15 भी कॉमन
चले जाएगा, और बाकी तो सभी अलग अलग है। तो मेरा जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा ये तीनों का, कॉमन फैक्टर कौन होगा, वन होगा, थ्री होगा एंड फाइव, ठीक है, ये चारों उसका कॉमन फैक्टर रहेगा। तो अभी हम एग्जाम्पल सिक्स में जाएंगे। एग्जाम्पल सिक्स में फाइंड द कॉमन मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल निकालना है आपको 3, 4, 9 का, तीनों का हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो मैंने 3 का लिख दिया, ये मल्टीपल 4 का, 9 का, इसमें जो कॉमन है वो क्या क्या आ जाएगा, जिस तरह आप देख सकते हैं इसमें कॉमन यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, लेकिन यहाँ 24 नहीं है, कौन कौन सा है, ये जो मल्टीपल है ये कभी एंड नहीं होता, इसलिए मैंने डॉट डॉट दिया है। तो इसमें आपको कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, देखिए इसमें 36 है, इसमें 36 है एंड इसमें 36 है, तो ये कॉमन आ गया। उसके बाद 72, ये 3 के टेबल को आप बढ़ाते जाएंगे तो 72 आएगा, और इसमें भी 72 आएगा, और इसमें भी 72 है, तो 7200 इसी तरह आएगा। तो ये जो मल्टीपल है ये कभी एंड नहीं होता, इसलिए मैंने डॉट दिया, आप जितना भी करके जाओगे तो ये तीनों आपको कॉमन आ जाएगा।